हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जो हमारे स्किन केयर रूटीन का है और उसके बिना हमारा स्किन केयर कंप्लीट ही नहीं होता, और वो है मॉइस्चराइजर। मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैं एक मॉइस्चराइजर जो पिछले 5-6 साल से यूज कर रही हूँ, मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे रेकमेंड किया था, और मैंने मार्केट में आज तक जितने भी मॉइस्चराइजर लॉन्च होते हैं या नए ब्लॉगर्स उन्हें प्रमोट करते हैं वो सारे यूज करके देख चुकी हूँ। बिकॉज हाँ, जब एडवर्टीजमेंट आती है या लोग प्रमोट करते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है मार्केट में, हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फटाफट परचेज कर लेते हैं। बट ट्रस्ट मी, जितनी बार मैंने दूसरे मॉइस्चराइजर यूज किए हैं उसके बाद मैं फिर से बार बार अपने वही पुराने मॉइस्चराइजर पे गई हूँ, और वो है ये सेटाफिल का मॉइस्चराइजर। ये मेरा सबसे फेवरेट मॉइस्चराइजर है। आज तक मुझे ऐसा मॉइस्चराइजर कहीं नहीं मिला है। ये मुझे जितनी हाइड्रेशन देता है, और अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता है कि मेरी स्किन कितनी ड्राई है, और जिनकी स्किन ड्राई है वो मेरे साथ जरूर रिलेट कर सकते हैं कि हमारी स्किन को हाइड्रेशन की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। हमारी स्किन हमेशा थर्स्टी होती है एक एक्स्ट्रा हाइड्रेशन के लिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी जाके चेक कर सकते हैं इस चैनल पे, और नीचे भी मैं अपने पुराने वीडियोस जरूर लिंक करूंगी जो स्किन केयर से रिलेटेड है। अब बात करते हैं इस मॉइस्चराइजर के बारे में। ये ऐसे व्हाइट एंड ग्रीन कलर की ट्यूब पैकेजिंग में आता है। 80 ग्राम का ये ट्यूब है। अगर आप बड़ा लेंगे तो वो टब पैकेजिंग में आता है, उसकी इमेज मैं नीचे डाल दूंगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही नॉन कमर्शियलाइज मॉइस्चराइजर है। आप लोगों ने इसकी कोई एड्स नहीं देखी होंगी, किसी ब्लॉगर या व्लॉगर को इसे प्रमोट करते हुए नहीं देखा होगा। बिकॉज ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंडेड प्रोडक्ट है। आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो आपको रेकमेंड करते हैं मोस्टली ये प्रोडक्ट, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बताती हूँ। ये एक बहुत ही थिक फॉर्मुलेशन में आता है। As you can see, ये बहुत ही ज्यादा थिक मॉइस्चराइजर है जो कि ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और ये बहुत ही इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये आपकी स्किन पे कोई ग्रीजीनेस नहीं छोड़ रहा है, जैसे कि कई मॉइस्चराइजर जो होते हैं वो लगाने के बाद थोड़ा सा स्टिकीनेस फील होता है। हाँ, बट ये मॉइस्चराइजर मुझे लगता है कि अगर ऑयली स्किन वाले अप्लाई करेंगे तो उनके ऊपर सूट नहीं होगा, स्पेशली इन समर्स। बट हाँ, विंटर्स में जैसे कि बहुत ज्यादा ड्राई एयर होती है बाहर, तो वो ये मॉइस्चराइजर विंटर में जरूर ट्राई कर सकते हैं। बट अदरवाइज इवन इन समर्स एंड इन विंटर्स ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही हाइड्रेटिंग है, जैसे कि एलमंड ऑयल हो गया, ग्लिसरिन हो गया, विटामिन ई हो गया, जो कि हाइड्रेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और ड्राई स्किन के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है किसी भी मॉइस्चराइजर में। ये एक नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पोर्स होते हैं उसे क्लॉग नहीं करता। इसका मतलब ये है, ये भी रेकमेंड करते हैं कि ये ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली लगता है कि ये ऑयली स्किन वालों के लिए थोड़ी ज्यादा हैवी क्रीम हो जाएगी, स्पेशली इन समर्स। बट विंटर्स में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। बट जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल हैं, और ये बहुत ही एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन और हाइड्रेशन देता है हमारे स्किन को। अब इस पे मेंशन है कि इसमें कोई भी एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है, जो किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर उसमें कोई भी फ्रेग्रेंस ना हो। और इस पे मेंशन है कि ये हाइपोएलर्जेनिक प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये है कि इसे आप जब अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे इससे कोई भी एलर्जिक रिएक्शन आपको नहीं होगा, जो कि एक सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे बहुत इजीली अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मॉइस्चराइजर है ये ब्लेंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एमोलियंस एंड ह्यूमिक्टेंट्स हैं, जो कि हाइड्रेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही इंटेंस हाइड्रेशन देता है बाय बाइंडिंग द वॉटर टू स्किन, जो कि हमारे फेस से मॉइस्चर लॉस को प्रिवेंट करता है। अब आपको इसे अप्लाई कैसे करना है, मैं आप लोगों के साथ एक सीक्रेट शेयर करूंगी अपना। आप जब भी अपना फेस वॉश करें उसके बाद आप उसे टॉवल से तो बिल्कुल ही ड्राई ना करें, आप बस अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा
ऐसे डैब डैब करें और उसे कम्प्लीटली ड्राई ना होने दें। जैसे ही आप अपना फेस वॉश करें उसके बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइजर अपने हाथों पे लेके रब करके अपने फेस पे तभी ही अप्लाई कर लें। आप अपने फेस को वॉश करने के बाद उसे ड्राई ना करें, जब उसमें थोड़ा थोड़ा पानी रहता है तभी ही आप अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगा लें। बिकॉज जो हमारा मॉइस्चराइजर होता है वो हमारे वाटर को हमारी स्किन से उड़ने नहीं देता और वो उसे वहीं लॉक कर लेता है, जो कि हमें एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देता है हमारी स्किन के ऊपर। ये जो ट्यूब है ये 80 ग्राम की है और इसकी MRP है 465 रुपीज, बट ये मैंने nykaa.com से ली थी और वहां पे हमेशा डिस्काउंट रहता ही है, नायका पे या Amazon पे आप चले जाएं तो ये मुझे कुछ 400 के अराउंड मिली थी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी और ये बिल्कुल ही स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो आप अपने हिसाब से मेडिकल स्टोर पे जाके भी चेक कर सकते हैं या नीचे दिए हुए लिंक से भी परचेज कर सकते हैं। बट मेडिकल स्टोर में हो सकता है कि आपको डिस्काउंट ना मिले, लेकिन हाँ ऑनलाइन हमेशा इन प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट होता ही है, आप वो जाके जरूर चेक कर सकते हैं Amazon या Nykaa के ऊपर। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस मॉइस्चराइजर को यूज करने का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे ये प्रोडक्ट यूज करते हुए 5-6 साल हो चुके हैं, मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे रेकमेंड किया था और ये मेरे स्किन पे बहुत ही इजीली सूट होता है। आप भी प्लीज इसे जरूर ट्राई करें अगर आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा ड्राई है और उसे एक्स्ट्रा हाइड्रेशन चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए इन फ्यूचर भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आती रहूंगी। प्लीज मुझे सपोर्ट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।